रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। आप अपना रिजल्ट जाकर cgbse.nic.in पर देख सकते हैं। इस बार आचार संहिता और शिक्षकों के चुनावी ड्यूटी के बाद भी टाइम से पहले पेपर चेक किए गए और पिछले साल की तुलना में 5 दिन पहले रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। पिछले साल 14 मई को रिजल्ट निकला था, इस बार करीब 6 लाख विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में बैठे थे और अब यह रिजल्ट जारी कर दिया गया है। हायर सेकेंडरी में करीब 81% छात्र पास हुए हैं। ये तमाम अपडेट भी एक एक कर हम आपको बता रहे हैं। हायर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास में करीब 81% 80.74% बच्चे जो कि पास हुए हैं। ये लड़कियां बाजी मारती हुई एक बार फिर से इन रिजल्ट्स में नजर आई हैं। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 6 लाख से ज्यादा बच्चों की तरफ से एग्जाम दिया गया था और अब ये 6 लाख बच्चों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से जो अंक आपको मिले उससे आप असंतुष्ट हैं तो 15 दिन के अंदर आप इसे एक बार फिर से दोबारा जांच के लिए स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ आपको चार्जेस भी देने होंगे, इसके लिए ₹500 का शुल्क भी बच्चे को प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से देने होंगे। वहीं अंकों के फिर से गिनती के लिए ₹100 का शुल्क निर्धारित है। इसी तरह आंसर शीट की फोटोकॉपी हासिल करने के लिए भी प्रत्येक विषय के लिए ₹500 आपको चार्ज देना होगा। नंबर से अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर से पेपर चेक होगा। यदि अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि उसने पेपर बहुत अच्छा दिया था लेकिन नंबर कम मिले हैं तो ऐसे बच्चे फिर से अपना पेपर चेक करा सकते हैं, स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि पूरी कोशिश के बावजूद भी अगर परीक्षा में असफल होने वाले बच्चों के पास आगे और भी अवसर रहता है। 1 या 2 विषय में फेल होने वाले बच्चे पूरक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और इसमें सफल होने के बाद से आगे की कक्षा में जा सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुश ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। अंकुश, रिजल्ट जारी कर दिया गया, कैसा रहा रिजल्ट? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। रिजल्ट जारी होने के बाद अभी प्रेस ब्रीफिंग चल रही है और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल विभाग के जो सचिव है वो जो है तमाम जानकारी दे रहे हैं और तमाम जानकारी के बाद अब ये पूरा स्पष्ट होगा कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से स्कूल के बच्चों ने टॉप किया है, किस स्कूल का कितना परसेंटेज रिजल्ट रहा है। तमाम चीजें जो है वो ब्रीफ की जा रही है, ब्रीफिंग अभी वहां पर चल रही है। क्या ये पता चल पाया कि 12th या 10th में किसने अभी टॉप किया है छत्तीसगढ़ में? देखिए, अभी अगर नामों की अगर बात करें तो कुछ नाम अभी डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप अगर अपोजिशन की बात करें तो जैसे कि पद्मिनी सांडिल्य करके एक बच्ची है जिसने 5वीं पोजिशन हासिल की है पूरे छत्तीसगढ़ में और ये 10वीं की छात्रा है। इसके अलावा जिज्ञासा एक बच्ची है जिसने 5वीं रैंक हासिल की है। इसके अलावा 10वीं की एक स्टूडेंट की बात करें तो जेमिनी कुमारी कुंवर जो है उसने टॉप किया है। तो कई तरह के रिजल्ट जो है अब प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से दिए जा रहे हैं। किस तरीके के ऑप्शन है अंकुश? यहाँ से मान लीजिए कोई बच्चा अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, जैसे उसे उम्मीद थी उस तरीके से रिजल्ट नहीं आया, तो फिर वो क्या यहाँ से कर सकता है? चलिए, अंकुश से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये जानकारी हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। रिजल्ट जारी हो चुका है, अगर अभी आपने भी या फिर आपके बच्चे इसमें एनरोल हुए थे 10वीं और 12वीं में छत्तीसगढ़ बोर्ड के तहत एग्जाम दिया था तो आप भी cgbse.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यह ऑफिशियल वेबसाइट results.cg.nic.in पर भी परिणाम देखे जा सकते हैं। 10वीं में 3,42,000 छात्राओं ने एग्जाम दिया, जिसमें 2 मार्च से 21 मार्च तक ये परीक्षाएं हुई थी। आचार संहिता के बावजूद और टीचर्स के बिजी होने के बावजूद भी, चुनाव ड्यूटी लगी हुई उसके बावजूद भी जल्द रिजल्ट घोषित किया गया। 2,62,000 बच्चे 12वीं में एनरोल हुए छत्तीसगढ़ बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट और इसके अलावा ये दूसरी वेबसाइट, इन दोनों पर जाकर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। करीब 3.5 लाख बच्चों ने दिया था 10वीं का एग्जाम। कुल मिलाकर ओवरऑल ये 6 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं का एग्जाम दिया था और ये रिजल्ट जारी हो चुका है।
दसवीं में 75.61% छात्र पास हुए हैं। रिजल्ट घोषित हो गया है, रिजल्ट आपके सामने जो जारी किया गया है। बारहवीं में करीब 81%, बारहवीं में 34.07% ऐसे छात्र हैं जो कि प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट क्लास से वो पास हुए हैं, फर्स्ट क्लास नंबर से। ये नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड के दसवीं और बारहवीं का रिजल्ट जारी हुआ है। दसवीं और बारहवीं के रिजल्ट घोषित किया गया है। बोर्ड परीक्षाओं में लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है, बोर्ड परीक्षाओं में एक बार फिर से लड़कियां बाजी मारती हुई नजर आई हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये रिजल्ट को लेकर अगर आप किसी तरीके से असंतुष्ट हैं तो आप उसके लिए बाकायदा पूरा प्रोसीजर है, उस हिसाब से आप आवेदन भी दे सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात को मान लीजिए कि ये रिजल्ट और ये जो नंबर्स हैं इसे लेकर किसी भी तरीके से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बाकायदा इस दिशा में, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार बच्चे रिजल्ट्स को लेकर इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कुछ वो ऐसे कदम भी उठा लेते हैं जो कि कहीं ना कहीं एक पूरे परिवार के लिए भी, हर किसी के लिए एक बहुत ज़्यादा खतरनाक वो साबित हो जाता है। इस दिशा में कल हमने देखा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया, उसके जरिए से उन्होंने भी लोगों बच्चों से यही कहा कि इन रिजल्ट्स में आने वाले नंबर को लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही उन्होंने पेरेंट्स से भी अपील की थी कि किसी भी तरीके से प्रेशराइज ना करें, छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है, बच्चे छत्तीसगढ़ सरकार के आप सभी आपके साथ खड़ी है सरकार। और देखिए अभी बिलासपुर के डीएम की तरफ से भी दसवीं के रिजल्ट को लेकर उन्होंने भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ये लिखा कि आज छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के दसवीं और बारहवीं के परिणाम आए, खराब मार्क्स लाकर कुछ गलत स्टेप उठाने से पहले एक बार मेरा दसवीं का रिजल्ट देख लें। एक मोटिवेशन बच्चों को, जो बच्चे रिजल्ट को लेकर किसी भी तरीके से परेशान हों उसे लेकर उनके तरफ से बाकायदा ये ट्वीट किया गया। आपको बता रहे दसवीं में जशपुर की सिमरन ने टॉप किया है, दसवीं और बारहवीं के रिजल्ट में सिमरन ने बाजी मारी है, जशपुर की सिमरन टॉपर बनी है दसवीं क्लास में। दसवीं क्लास में सिमरन जशपुर की रहने वाली वो टॉपर बनी है, छत्तीसगढ़ बोर्ड के एग्जाम में उन्होंने बाजी मारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और इसमें बाजी मारने वाली सिमरन है।